बाहें में माँ के गर्भ में, और हर रोज वीटी का आरती अपने पति के पास, व्यास के पास, और आकर कहती, नाथ मेरे पेट से है ना वेदों की ध्वनियां सुनाई देती जब मैं सोती हूँ। पर व्यास जी कहते हैं, देवी शायद कोई योगी तुम्हारे गर्भ में आ गया, शायद कोई महात्मा तुम्हारे गर्भ में आ गया, इसलिए कह रहे आ तो गया कि बाहर क्यों नहीं आना चाहता। कोई 9 महीने रह जाता है, कोई 10 महीने रह जाता है, जोर लगा के 12 महीने, लेकिन इतने तो 12 वर्ष हो गए बड़ी बड़ी। जरा कहो ना मैं परेशान, जरा बाहर आ। तो व्यास जी ने आवाज लगाई, अरे ओ योगी आज जरा बाहर आना। तो अंदर पेट से बोल पड़ा, कहा सुनो व्यास जी, बाहर तो आना चाहता हूँ, सीधा ही नाम ले गए पापा को पन, सीधा ही नाम ले गए। कहा ओ व्यास जी, बाहर तो आना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ कहीं तुम्हारी माया मुझे ना पकड़े। क्या डरता हूं कहीं तुम्हारी माया मुझे ना पकड़ ले। मैं विश्वास दिलाता हूं भाई, आप बाहर आओ, मेरी माया आपके ऊपर हावी नहीं होगी। लेकिन अंदर से फिर कहा सुनो सुनो व्यास जी, जिसका खुद हथकड़ियां बेड़ियां लगी हों और वो कहीं मैं तेरे को जेल से छुड़वा दूंगा तो कौन माने, तेरे को तो खुद बेड़ियां पड़ी हैं, खुद तू उस चक्कर में पड़ा है, पर विश्वास मेरे को दिला रहे तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करने वाला नहीं। तो कहा बाबा तू विश्वास नहीं करे किसी पर, हाँ विश्वास करता हूं किस पर, द्वारिका नाथ आकर के कह दे कि मेरी माया आपके ऊपर हावी नहीं हो। तो व्यास जी दौड़े दौड़े गए द्वारिका और मेरे गोविंद को लेकर पकड़ करके जरा कहो कि बाहर आए, और मेरे ठाकुर ने आकर के थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराए का ही हो गया जरा बाहर आओ। अब ये कहने का मौका तो दिया ही कि मैं नहीं आऊंगा, बस ऐसी प्रसव की वायु चली एक ही झटके में मुनि सुखदेव का जन्म हो गया। तो उस समय का ये श्लोक है, क्योंकि नालक छेदन हुआ नहीं और उस नाल को अपने कंधे पर डालकर जमल गया, और पिता ने देखा रे कितने सुंदर बेटे को, क्या प्यारा चेहरा था, तो सांवला सुनाना स्वरूप, और स्वरूप को देख करके व्यास पीछे पीछे, हाँ बेटा थोड़ी देर तो ठहर जा, देखिए अब थोड़ी देर पहले दावा कर रहा था कि मेरी माया आपके ऊपर अभी नहीं होगी, और जो ही अपने बेटे को देखा तो दौड़ पड़ा पीछे पीछे, बेटा मुनि सुखदेव थोड़ी देर रुक जा बेटा, मैं केवल एक बार मन भर के आपको देख तो रहा, अरे एक मिनट के लिए रुक जा बेटा एक मिनट, लेकिन वो तो योगी थे महाराज। इधर से व्यास मुनि हाँ बेटा कह रहे हैं, व्यास जी हाँ बेटा कर रहे हैं, उधर मुनि सुखदेव वृक्षों से हाँ बेटे कहलवा रहा वापस, अर्थात ये कही उधर से मुनि सुखदेव हाँ बेटा कर रहे हैं, इधर से व्यास जी हाँ बेटा कर रहे हैं। इसलिए व्यास जी खड़े हो गए, पर खड़े होकर कहा भाई और बात चक्कर तो छोड़ो, पहले ये बताओ तुम मेरे को बेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं तो इसलिए तुम्हें बेटा कहता हूँ तुम मेरी पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर के आए हो, लेकिन तुम मुझे बेटा क्यों कहते हो। सुखदेव ने कहा व्यास आपका हमारा नाता आज का नहीं है, तुम मेरे लाखों बार बेटे बन चुके हो, लाखों बार मेरी पत्नी के गर्भ से जन्म ले चुके हो, पर मैंने तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बार जन्म लिया, बताओ कौन बड़ा है। हाँ भाई के चक्कर में मत फंसो, भागो वापस और प्रभु का स्मरण करो, क्योंकि ये आपका हमारा जीवन इन नोटों की भांति है भाई, इस दौलत की भांति है, पैसों की भांति है, कि वो जिसकी जेब में गया उसने अपनी छाती से लगा लिया, मेरा पैसा मेरी दौलत, लेकिन ना तो आज तक ये किसी की हुई, ना आज है ना अभी होगी, क्योंकि साफ लिखा है भाई, क्या चला रक्षी चला प्राण चला लक्ष्मी चला प्राण चला
जीवित मंदिरे, क्या सब चलाए मन चला चले च संसारे, धर्म को ही निश्चल हो। जिस लक्ष्मी को तुम पकड़ कर रखना चाहते हो वो लक्ष्मी नहीं रहेगी भाई तुम्हारे पास, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम्हारे पास तो रहेगी तुम्हारी पत्नी, किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है वो? हाँ, उसको तुम चाहते नहीं। हाँ, क्या यदि लक्ष्मी को घर में रखना चाहते तो नारायण के लिए तो अपने पति के साथ रहेगी। हाँ, अरे भाई जरा अपने दिलों के हाथ रख करके जरा एक बार देखो तुम्हारी पत्नी पर कोई कब्जा करने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, कोई कह दे कि ये मेरी मुझे दो, और तुम कब्जा करने चाहे उसकी पत्नी पर, तिजरी अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो लात मार के जाएगी, उसका नाम दौलत भी है। हाँ? आते भी लात मारेगी और जाते भी लात मारेगी। हाँ? इसके दो लात तैयार रहेंगे अकेली लक्ष्मी के साथ। लेकिन क्योंकि अकेली लक्ष्मी आती है उल्लू पर बैठ कर, किस पर आती है? अकेली लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, यदि उसको बुलाओगे तो तुम्हें उल्लू बना करके, ठीक है ना? यदि रखना चाहते हो तो मेरे नारायण को साथ बुलाओ। और फिर गाओ बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ, जो दीपावली के अंदर जो फिर जगमगाहट होती है वो तो शायद और किसी जन्मदिन पर नहीं, और तो लक्ष्मी आ जाएगी। इसलिए आज मुनि सुखदेव कह रहे हैं क्या सब चलायमान है, क्यों चिपक करके बैठते? इसलिए इसका नाम संसार है। संसार उसे कहते जो सरकता है, क्या जो सरके उसका नाम संसार। हाँ, इसलिए पकड़ के मत खड़े हो जाओ व्यास जी, इसलिए जाएंगे वापस। लेकिन नहीं रुके व्यास जी, दूसरा झटका फिर दे दिया। क्या कि वहां से जा रहे थे कुछ नौजवान कन्ने किसी तालाब में नग्न होकर स्नान कर रही थी, लेकिन जब उनका बेटा निकला तो किसी ने कपड़े नहीं पहने, और इधर व्यास जी निकल गए तो दौड़ करके सबने कपड़े पहन लिए। व्यास जी को बड़ा हंसने वाले, ये नौजवान यहाँ से कपड़े नहीं पहने और मैं इनका पड़ पड़ बाबा मेरे को देखकर कपड़े पहन लिए, आखिर चक्कर क्या है? व्यास जी रुके रुके और उन लड़कियों के पास गए, बेटा एक बात पूछूं? हाँ बाबा पूछो। जब मेरा बेटा यहाँ से नौजवान निकला तो आप लोगों ने कपड़े नहीं पहने, और मैं तुम्हारा पड़पड़ बाबा के समान, मेरे को देखते ही आप लोगों ने कपड़े पहन लिए, क्यों बेटा? कि बस बाबा यही फर्क है, आपको ज्ञान है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो ये भी ज्ञान है कि स्त्री ना है उसको तो सभी ब्रह्म के समान सभी नारायण का स्वरूप है, सभी को भेद नहीं। इसलिए यहां प्रणाम किया गया है मनी सुखदेव को, ऐसे महापुरुष जो सब कुछ छोड़कर गए नारायण के लिए, समर्पित हो गए इस संसार के, और ऐसे व्यक्ति का उद्धार किया जो श्रापित हो चुका था, जो मृत्यु सैया पर बैठा हुआ था, और ऐसे व्यक्ति को अमर बना गया रे वो महापुरुष। आज भी बार ये मरा थोड़ी, मरता तो वो है जिसका नाम नहीं मिल रहा, और जिसका नाम नहीं रह जा रहा वो मरा कहां? और आज भी तुम्हारे बीच। इसलिए आइए ले चलते हैं आपको नवी साल नक्षत्र में कथा में प्रवेश कर। यदि कहो तो कथा में प्रवेश कर, देरी तो नहीं आलोक पूरी होगी हम लोग, क्यों करो प्रवेश कर, आओ ले चलते। नैमिषे सूतमाशीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतम्
नशाश्वाद कुशल शोन जिसमें हमारी कथा भी होने जा रही है 6 फरवरी से 13 फरवरी वही नवी शारी में होगी। आओ उसी क्षेत्र में ले चलते हैं जहां बैठे हैं एक दो ऋषि जी 88,000 ऋषि थे और एक दो दिन से नहीं क्या कि 7 दिन कथा में बैठ गए 2-4 घंटे हो गए और उसमें भी एक पैर उधर कर लिया तो एक पैर उधर कर लिया एक बार सीधा कर लिया एक बार उपड़ू बैठ गई ऐसे नहीं हजारों वर्षों से बैठे हैं 70 साल और हजारों वर्ष बैठने के बावजूद भी हजारों वर्ष यज्ञ करने के बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली। आखिरकार सारे ऋषि चिंता में डूबे भाई इतने वर्षों तक यज्ञ में बैठने के बावजूद भी शांति क्यों नहीं। जब शांति का कोई उपाय नहीं मिला तो सारे ऋषियों के आंखों में आंसू आ गए। हे ठाकुर ऐसी कौन सी भूल हो गई कौन सा अधूरापन है हमारी जिंदगी में कि हमें शांति नहीं मिल रही है। अशांत बैठे हैं हम इतना कुछ समर्पित होने के बावजूद और जब उदास और हताश ऋषियों को देखा तो कौन बात चाहेगा कि मेरा बेटा परेशान है। पर वो भी जब ठाकुर की ओर चलो तब तो मेरा ठाकुर नहीं चाहेगा क्योंकि वो तो है कर्मा का सागर। तुम करुणा के सागर तुम सारे ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर के एक को आगे कर दिया सारे आगे भाग कर दिए सारे भाग करके आते तो कुछ ना पाते उससे एक को मुख्य बनाने के लिए आ गए। जिस ऋषि का नाम था सोनक क्या नाम ऋषि क्या नाम था सोनक ऋषि उसको आगे कर दिया कि आप ही बातचीत करिए। आते ही सिंहासन पर बैठा दिया और सिंहासन पर बैठा करके स्वागत किया और स्वागत करके आशीर्वाद दे दिया। नहीं मिसे सूत मांशीनम और अभिवाद महामतिम। कितनी बड़ी बुद्धि थी कि छोटे से बच्चे के अंदर भी वो प्रभाव देख लिया और उनको गद्दी पर बैठा दिया। महामति क्यों महामति थी इतना बड़ा सम्मान
ये दाढ़ी वाले बाबा और उसको बेचारे को कुछ दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है, और बैठा दिया सिंहासन पर और बैठा करके आशीर्वाद भी दिया तुम्हारी लंबी उम्र हो। बच्चों को बड़ा स्नेह ऋषियों, क्या बात है कि बताइए क्या बात है। अज्ञान धन विध्वंस कोटि सूर्य समान प्रभु सूताख्या कथाशालम मम कर्ण तेज करोड़ों सूर्यों के समान है और हमारे अंदर अज्ञान अंधकार बैठा है, और जहां करोड़ सूर्य एक साथ आ जाएं क्या वहां अंधेरा रहेगा। जब एक सूर्य के आने से तुम्हारी ये लाइटें सब इतना है सब फीके पड़ जाते हैं, हाँ ये सूरज ये चांद ये सितारे सब फीके पड़ जाते हैं, लेकिन इस ज्ञानी को कितना बड़ा संबोधन दे रहे करोड़ों सूर्य का संबोधन। इसलिए ये महान है कि देखिए छोटे से बच्चे को कितना महान बना रहे। कोटि सूर्य समान प्रभा कोटि सूर्य समान प्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान हमारे बीच में आए हैं। इसलिए हे सूत आख्या ही कहिए, क्या कोई ऐसी कथा कि जो हमारे कानों का रसायन बन जाए। और जो बीमार लोग हैं इस दुनिया में जिनको ये अहमता ममता राग द्वेष हाँ अभिनिवेश कि ये रोग लगे हैं जिसको उनकी बीमारी निकल गई, संसार का रोग जिसे लगा है उनकी बीमारी निकल जाए और हमारे कानों का रसायन बन जाए। रसायन से क्या होता है ताकत आती है और बीमारी निकलने से ठीक हो जाता है स्वस्थ हो जाता है। रसायन उसके लिए होता है जो स्वस्थ होता है और दवाई उसके लिए होती है जो बीमार होता है। इसलिए दोनों काम कह रहे हैं कि ऐसा कोई कथा सुनाओ ऐसा कोई अमृत पिलाओ जो हमारे लिए रसायन का काम करे, क्योंकि वो बीमार नहीं है उनको संसार का रोग नहीं है, हमारे लिए वो रसायन बन जाए अर्थात हमें तृप्ति मिल जाए हमें शांति मिल जाए और दुनिया वालों की बीमारी निकल जाए क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है। राक्षस व्यक्ति के लोग ज्यादा होंगे इसलिए उन लोगों की वो आश्रित वृत्ति निकल जाए। क्यों? क्योंकि चिंता मणि मिल जाए तो स्वर्ग के सुख उसके घर में होता है। लोग के नीचे यदि इंसान पहुंच जाए तो मन में इच्छा हो वही पूर्ण हो गए, और यदि सच्चा सदगुरु मिल जाए तो जो योगियों को भी प्राप्त हो गए पूर्ण नहीं होता वो गुरु नहीं प्राप्त करवा देगा। इसलिए आप उस सदगुरु के रूप में हमें मिले हो, ऐसा ऐसी कोई औषधि पिलाओ ऐसा रसायन पिलाओ जो हमारे लिए रसायन का काम करे और दुनिया की बीमारी। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा हे ऋषियों आओ फिर